नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पद्मश्री अवार्ड्स, पद्म पुरस्कारों का हो गया ऐलान, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने साल 2022 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। भारत की सरकार ने इस वर्ष चार हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया। इसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कल्याण सिंह और गीता प्रेस गोरखपुर के चेयरमैन राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे पद्म विभूषण से सम्मानित की जाएंगी। इसके अलावा 17 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 107 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान भी दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 24 घंटे में 2.5 लाख नए मामले, 614 लोगों की हुई मौत। केजरीवाल बोले, दिल्ली की 82% आबादी वैक्सीनेट, जल्द हट जाएंगी पाबंदियां भी। जी हां दोस्तों, देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घट रहे हैं। सोमवार को 255,874 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। इस दौरान 268,000 लोग ठीक भी हुए, जबकि 614 लोगों की मौत हुई। पिछले दिन के मुकाबले दोस्तों, नए संक्रमितों में करीब 50,000 की कमी आई है, यानी कि 16.5% की कमी। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.36 लाख है। रविवार को पॉजिटिविटी रेट 20.7% था, जो सोमवार को घटकर 15.5% रह गया। यानी कि दोस्तों, भारत में फिलहाल कोरोना के पॉजिटिव मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों को हटा देंगे। दिल्ली में 100% लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है और 82% लोगों को दूसरी डोज दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सेलिब्रिटी होने का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करे जूही चावला, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर अभिनेत्री जूही चावला जनता की सेवा से जुड़ा कोई काम करती है, तो 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 20 लाख से घटाकर 2 लाख किया जा सकता है। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि हम जुर्माने की राशि को घटाकर 2 लाख रुपए कर देंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है। कोर्ट ने जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद को कहा कि आपकी क्लाइंट एक सेलिब्रिटी है, ऐसे में उन्हें पब्लिक के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। उनकी छवि का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। वह दिल्ली कानून सेवा प्राधिकरण के लिए कुछ काम कर सकती है। इस पर सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने मानव शरीर पर 5G टेक्नोलॉजी के प्रभाव पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि वह अदालत द्वारा दिए गए सुझावों पर उनसे निर्देश मांगेंगे। अदालत ने इसके अलावा DLSCA सचिव को नोटिस जारी करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख दे दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल मामला यह है कि जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी और उसमें बताया गया था कि यह मानव शरीर के लिए बेहद घातक है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली याचिका माना और जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कद की लड़ाई, संजय राउत ने कार्टून पोस्ट कर शिवसेना को बीजेपी से बताया बड़ा। पूनम महाजन के पिता पर निशाना साधा तो भड़की बीजेपी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में खुद को बड़ा साबित करने के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच लड़ाई जारी है। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय रावत ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट कर शिवसेना को भाजपा से ऊपर बताया। इस कार्टून में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनका दूसरा पैर दूसरी कुर्सी पर है। उनके सामने भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन खड़े हैं, सामने एक छोटी कुर्सी रखी है और बाला साहेब महाजन को उस पर बैठने के लिए इशारा कर रहे हैं। संजय रावत ने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि कौन किसकी वजह से आगे बढ़ा, आंखें खोलो साफ देखो। इस कार्टून पर प्रमोद महाजन की बेटी और भाजपा सांसद पूनम महाजन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्वर्गीय बाला साहेब और स्वर्गीय प्रमोद जी ने हिंदुत्व के लिए मर्दों की तरह गठबंधन किया था, ना मर्दों की तरह कार्टून मत दिखाओ। पूनम महाजन के इस ट्वीट के कुछ देर बाद संजय रावत ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
बिहार आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट से गुस्साए अभ्यर्थियों को चेतावनी, हिंसा में शामिल हुए तो नहीं मिलेगी रेलवे में नौकरी। जी हां दोस्तों, बिहार में आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2021 के नतीजों में कथित गड़बड़ी को लेकर पिछले दो दिनों से आक्रोशित अभ्यर्थी लगातार रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर रहे हैं। कई स्थानों पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया है। इसको लेकर अब रेलवे की तरफ से अभ्यर्थियों को चेतावनी दी गई है कि अगर रेलवे स्टेशनों पर हिंसा और आगजनी करते हुए कोई भी अभ्यर्थी पकड़ा जाएगा तो उसे आजीवन रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। रेलवे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रेलवे की नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों ने पिछले दो दिनों में रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ट्रैक उखाड़ दिए हैं और ट्रेनों की आवाजाही को बाधित किया है। अपने बयान में रेलवे ने कहा कि जो भी अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन पर हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल होते हैं और वीडियो में उनकी पहचान होती है तो उन्हें आजीवन रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दौरान विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आक्रोशित अभ्यर्थियों ने रेलवे की संपत्ति में तोड़फोड़ की और नवादा में ट्रेन के इंजन को आग के हवाले कर दिया। सीतामढ़ी, बक्सर और नवादा में आक्रोशित अभ्यर्थियों ने पुलिस के ऊपर पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस को भी हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना न्यू सिम्टम्स, सामने आया ओमिक्रॉन का नया लक्षण, अब शरीर के इन हिस्सों पर कर रहा है हमला। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर इन दिनों पीक पर चल रही है। इस लहर में सामने आए ओमिक्रॉन वेरिएंट में कोरोना वेरिएंट के नए लक्षण सामने आ रहे हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट पर हो रही रिसर्च में नए लक्षणों का खुलासा हुआ है। स्टडी में पता चला है कि यह वेरिएंट दिमाग, दिल और आंखों के अलावा कानों पर भी असर डाल रहा है। इस वेरिएंट से पीड़ित कई मरीजों में कानों में सनसनाहट, सीटी बजने या घंटी बजने जैसे लक्षण सामने आए हैं। इसके साथ इस वेरिएंट से पीड़ित मरीजों में ठंड लगने जैसे लक्षण भी देखे गए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार जिन मरीजों में इस तरह की दिक्कत देखी गई उनमें से अधिकतर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर रिसर्च कर रहे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के कानों में पिछले कुछ दिनों में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया है, सनसनाहट सी महसूस हो रही है, सुनना कम हो गया हो या चक्कर आने लगे हैं तो उन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, यह कोरोना हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ई पासपोर्ट, अब आपके पासपोर्ट पर लगेगी इलेक्ट्रॉनिक चिप, मिलेंगे ई पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत जल्द ही ई पासपोर्ट जारी करने जा रहा है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक का उपयोग करेगा। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने पिछले हफ्ते ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि नया ई पासपोर्ट बायोमेट्रिक डाटा सुरक्षित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के अनुरूप भी होगा। सरकार का दावा है कि ई पासपोर्ट सेवा को शुरू कर भारत इस तरह की पासपोर्ट सेवा देने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए एक पूरी नई पासपोर्ट प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है। ये बायोमेट्रिक पासपोर्ट चिप इनबिल्ट पासपोर्ट होंगे। इस पासपोर्ट पर लोगों को बायोमेट्रिक डाटा दर्ज कराना होगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार सरकार चिप इनबिल्ट ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी जो बायोमेट्रिक डाटा से सिक्योर होंगे। नए ई पासपोर्ट यात्रियों को दुनिया भर में इमिग्रेशन पोस्ट के माध्यम से आसानी से हस्तांतरित करने में मदद करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमतें बड़ी, चांदी भी हो गई महंगी। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में थोड़ा बदलाव आया है। निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों पर लिए जाने वाले फैसले का अभी भी इंतजार है। वैसे दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,793 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 64,422 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव $1,841.56 प्रति ओंस, जबकि चांदी का भाव $23.77 प्रति ओंस पर चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में शामिल हुई भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, प्रियंका गांधी के साथ फोटो शेयर कर बोली, एक और लड़की लड़ने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अदाकारा रानी चटर्जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। रानी चटर्जी ने एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसमें वह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही है। इस फोटो को शेयर करते हुए रानी चटर्जी ने लिखा कि एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार है।
प्रियंका जी के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती है के साथ जुड़कर मैं एक नया अध्याय शुरू कर रही हूँ। आज प्रियंका गांधी जी से दिल्ली में मुलाकात हुई, साथ में मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मेरे मित्र सूरज सिंह ठाकुर भी मिले। इस तरह भोजपुरी एक्ट्रेस ने यह ऐलान कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी में आए कांग्रेस के स्टार प्रचारक RPN सिंह बोले 32 साल पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस का जवाब कायर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को यूपी में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर रंजीत सिंह प्रताप नारायण सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। दोपहर में RPN ने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता भी ले ली। उन्हें यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा ज्वाइन कराई। कांग्रेस ने एक दिन पहले सोमवार को ही RPN सिंह को स्टार प्रचारक बनाया था। वे झारखंड के प्रभारी भी थे। RPN सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें कायर करार दे दिया। सुप्रिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वह केवल बहादुरी से लड़ी जा सकती है, इसके लिए साहस ताकत की जरूरत है और प्रियंका गांधी जैसा कहती है कि कायर लोग इसे नहीं लड़ सकते।